गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। एमपी के इंदौर में गिरफ्तार दो चोरों की कहानी आपको हैरान कर देगी। पुलिस ने ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो चोरी करने के बाद चोरी के माल का 25% हिस्सा राजस्थान के सांवरिया सेठ मंदिर में चढ़ाते थे। मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु अगली घटना के लिए सफलता मिले और कभी पकड़े न जाएं, जिससे कि वे लगातार भगवान के दरबार में आ सकें और उन्हें चढ़ावा चढ़ा सकें। बताया जाता है कि अपराधी अपराध करने के बाद सांवरिया सेठ मंदिर दर्शन करने जाते हैं। पुलिस ने आरोपियों से 50,000 नगद और एक बाइक के साथ 3,50,000 के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस चोरों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है और गिरफ्तार शातिर चोरों के नाम सुनील और दिनेश हैं। आपको बता दें कि तुकोगंज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही करने की बात कही है। न्यूज़ डेस्क, वी न्यूज़।